हेलो एवरी वन आई एम राधा खनगवाल वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक यूनाइटेड नेशंस जिसमें हम जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन की कब स्थापना की गई कौन कौन सी मेन कंट्रीज थी जब इसकी स्थापना की गई थी क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशन को लाने का और क्या इसके मेन ऑर्गन्स थे और वो कैसे काम करते थे सब कुछ डिटेल में समझेंगे सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू एंड इंट्रोडक्शन यूनाइटेड नेशंस का बेसिक ब्लूप्रिंट रेडी किया गया था अगस्त 1944 को एंड द बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी यूएसए में इस कॉन्फ्रेंस में जो डेलीगेट्स थे वो देखते कौन कौन थे द यूएसए सोवियत यूनियन चाइना एंड द यूके यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर साइन किया गया था यानी कि ऑफिशियली जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया था कब किया गया था ट्वेंटी फोर्टी फाइव इन सैन फ्रांसिस्को जब ये चार्टर साइन किया गया उस वक्त टोटल फिफ्टी वन कंट्रीज थे लेकिन जो प्रेजेंट थे उस टाइम पर वो थी फिफ्टी कंट्रीज पोलैंड उस वक्त नहीं था इसलिए पोलैंड ने इस डॉक्यूमेंट पर बाद में साइन किया था इसकी स्थापना कब की गई थी ट्वेंटी फोर्थ 1945 नाइनटीन फोर्टी फाइव को यूनाइटेड नेशंस ये जो नाम है ये नाम दिया था फ्रैंकलिन डी जो कि उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आपको पता होना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूनाइटेड नेशंस के स्पेनिश इंग्लिश फ्रेंच, रशियन चाइनीज एंड अरेबिक इजी है ओके लोगो इसका जो यूनाइटेड नेशंस का जो लोगो था वो डिजाइन किया था लिंकन लिंक जो कि अमेरिकन आर्किटेक्ट थे और ये नाइनटीन फोर्टी फाइव में रेडी किया गया था सो so ये था इंट्रोडक्शन अब आगे बढ़ते मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशंस पहले बात करेंगे हम पी फाइव की P5 ये वो कंट्रीज़ थी जो यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर थी ओके okay? ये परमानेंट मेंबर वो कंट्रीज़ है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की थी इनको परमानेंट वीटो पावर और डोमिनेटिंग मेंबर्स के नाम से भी जाना जाता है कौन कौन सी कंट्रीज द यूएस रशिया चाइना यू एंड फ्रांस ये पी कंट्रीज हैं जब यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी उस समय नाइनटीन नाइनटीन कंट्रीज थी टोटल यूनाइटेड नेशंस की मेंबर और अब करेंटली यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर है वो 193 कंट्रीज़ है अभी एक वर्ड यूज़ किया था मैंने वीटो पावर वीटो पावर होता है ये जो पी कंट्रीज़ है तीस पी कंट्रीज कैन रिजेक्ट एनी रिजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल यस ये P5 कंट्रीज सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकती है बाय यूजिंग वीटो पावर आई होप आपको ये क्लियर होगा अब आगे बढ़ते हैं हाउ यूनाइटेड नेशंस वर्क्स। यूनाइटेड नेशंस कैसे काम करते हैं अब हम वो समझेंगे यूनाइटेड नेशंस के टोटल छः पार्ट है जिनको ऑर्गन्स भी बोला जाता है सिक्स ऑर्गन्स हैं मेनली यूनाइटेड नेशंस के फर्स्ट जनरल असेंबली सेकेंड द सिक्योरिटी काउंसिल थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोर्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द लास्ट वन इज द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट ये है यूनाइटेड नेशन के सिक्स ऑर्गन्स। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे द फर्स्ट मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइट नेशन्स इज़ दर्नरल असेम्बली जनरल असम्बली के जो फर्स्ट प्रेजिडेंट थे वो थे पॉल हैंनरी स्पाग जो बेल्जियम से थे और करेंटली जो प्रेजिडेंट uh, है जनरल असम्बली के वो है अब्दुल्ला शहीद जो मालदीव से है बेसिकली जनरल असेंबली का काम है डिलिब्रेटिव यानी कि जो भी डिसीजन सॉरी uh, जो भी कुछ uh, मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कस discuss करना डिस्कशन करना पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी बनाना एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यू एन यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट करना आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगी कि जो बाकी के मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशनस के टोटल यूनाइटेड नेशन में वन नाइनटी थ्री मेम्बर्स हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 193 नाइन्टी बाकी ऑर्गन्स के भी मेंबर्स होंगे लेकिन 193 वो टोटल मेंबर्स जनरल असेंबली के मेंबर्स ज़रूर होंगे ऐसा है सो so ये याद रखिएगा ऑल 193 नाइन्टी थ्री मैंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेड जनरल असेंबली और ये छः के छः जो मेन ऑर्गन्स थे ये इस्टेब्लिश किए गए थे इन 1945 याद रखिएगा असेंबल एवरी ईयर इन सप्टेम्बर हर साल सब असम्बल होते हैं जो मीटिंग होती है साल में एक बार होती है सप्टेंबर में होती है और हर साल न्यू प्रेजिडेंट इलेक्ट होता है ओके जनरल असम्बली का और हर साल जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो चेंज होता है आपको स्कूल का याद है कि जब स्कूल में थे तो सब सेटिंग अरेंजमेंट चेंज होते रहते थे जो आगे वाले बच्चे वो पीछे बैठते थे और पीछे वाले आगे आते जाते थे ऐसे ताकि सबको आगे आने का आगे बैठने का मौका मिले अब जनरल असेंबली में डिसीजन मेकिंग कैसे होता है वो देखते हैं डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं जॉइंट डिसीजन ऑफ जर्नरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल टू गिव मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली है वो मिलकर डिसीजन लेते हैं अगर किसी अनदर कंट्री या स्टेट को मेंबरशिप देना हो इन यूनाइटेड नेशंस। सेकंड इज टू थर्ड मेजोरिटी ऑन इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो टू थर्ड मेजोरिटी के बेसिस पर लेते हैं और कैसे इंपॉर्टेंट डिसीजनस बजटरी रिलेटेड पीस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड या किसी को मेंबरशिप वगैरह देना है और सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के बीच में अगर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती तो टू थर्ड मेजॉरिटी बेसिस पर डिसीजंस लिए जाते हैं एंड द लास्ट वन इज सिंपल मेजॉरिटी डिसीजन सिंपल मेजॉरिटी डिसीजन लिए जाते हैं सिंपली वोट किया जो भी है और उसके हिसाब से डिसीजन ले लिया जो मेन मेजोरिटी रहेगा उसके आधार पर सो so, ये था जनरल असेंबली अब आगे बढ़ते हैं द सेकेंड मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज़ द सिक्योरिटी काउंसिल द प्रेजिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल चेंज एवरी मंथ ऑन रोटेशन जो प्रेजिडेंट uh, है सिक्योरिटी काउंसिल के वो हर मंथ चेंज होते हैं रोटेशन में और रोटेशन किस बेसिस पे होता है एल्फोबेटिकली जो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सिक्योरिटी काउंसिल के वो ऑस्ट्रेलिया से थे अगर आपको नाम याद नहीं रहे तो आप कंट्री भी याद कर सकते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे कंट्री मेंशन किया है प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट uh, है एट प्रेजेंट वो यूके से है एंड इसका रोल क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का कंट्रीज़ के बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्स होते हैं ईशूज़ होते हैं तो उन ईशूज़ को सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाता है और वहाँ पर कोशिश की जाती है उनके बीच उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की और इसका काम है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखना मेंबर्स टोटल इसमें फिफ्टीन मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल में जिसमें फाइव परमानेंट मेंबर्स है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ फाइव पी एंड टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स है जिसमें इंडिया भी आता है ईच मेंबर हैज़ वन वोट एंड नॉन मेंबर स्टेट यूनाइटेड नेशंस में कंट्रीज uh, को स्टेट भी बोला जाता है तो अगर स्टेट बोला जाए तो समझ जाइएगा कंट्री की बात हो रही है तो जो नॉन मेंबर स्टेट है वो भी सिक्योरिटी uh, काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन उनके पास वोट नहीं होगा सो so, ये था सिक्योरिटी काउंसिल द थर्ड मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसको इकोसॉक भी बोला जाता है ई सी ओ इकोनॉमिक एस ओ फॉर सोशल एंड सी फॉर काउंसिल फर्स्ट इसके जो प्रेसिडेंट थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे ब्रिटिश इंडिया उस टाइम पे भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस टाइम पे आर्को रामास्वामी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के प्रेसिडेंट थे एट प्रेजेंट जो इसके प्रेजिडेंट हैं वो बोत्सवाना साउथन अफ्रीका से है कॉलन विकसन इसका रोल क्या है इसका रोल है इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करना या उन पर डिस्कस करना मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो इसके मेंबर्स है वो तीन साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं बाय जनरल असेंबली ये ज़रूर याद रखिएगा कौन इलेक्ट करते हैं जर्नल असेंबली इकोसोक मेंबरशिप कैसे ये जो टोटल जो इसके अंदर मेंबर्स है वो फिफ्टी फोर मेंबर्स है और ये किस आधार पर ये मेंबरशिप दी गई है जोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ठीक है जैसे फोर्टीन सीट्स एलोकेटेड टू अफ्रीका इलेवन टू एशिया सिक्स सीट्स टू ईस्टर्न यूरोप टेन टू लेटिन अमेरिका एंड कैरेबियन थर्टीन सीट्स टू वेस्टर्न यूरोप एंड अदर एरियाज आप जब इसका टोटल निकालेंगे तो फिफ्टी फोर आएगा आई होप आपको ये क्लियर है ओके द फोर्थ मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज ट्रस्टीशिप काउंसिल इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो एनी गोर्गोन है जो कि फ्रांस से है इसका रोल क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी कंट्रीज इंडिपेंडेंट नहीं थी कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जिनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं थी तो उनकी खुद की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए या वो कैसे रन करें उनको हेल्प करने के लिए गाइड करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था जो कि सस्पेंड भी कर दिया गया था फर्स्ट नवंबर 1994 को ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसका एम जो था वो फुलफिल हो चुका था जो लास्ट इलेवेंथ टेरिटरी थी वो थी पलाओ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये अपनी खुद की गवर्नमेंट डेवलप कर चुकी थी और इसको जो गाइड करना था वो जो एम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का वो फुलफिल हो गया था सो इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को डिजोल्व कर दिया गया लेकिन परमानेंटली नहीं एनुअली मीटिंग्स जो थी वो ड्रॉप कर दी गई लेकिन ऐसा भी कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मीटिंग्स चलती रहेगी जब जरूरत पड़ेगी मीटिंग्स हम करवाएंगे द फिफ्थ मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका मेन रोल क्या था वो देख लेते हैं ज़रा गिव एडवाइज ऑन लीगल क्वेश्चन स्टेट्स के जो भी लीगल क्वायरीज हो उससे रिलेटेड उनको लीगली एडवाइस करना और जो भी लीगल डिस्प्यूट्स, जो भी उनके बीच डिस्प्यूट्स है उनको लीगली रिजॉल्व uh, करना ये इसका मेन रोल था कहाँ पे लोकेटेड है नीदरलैंड में देखिए मैंने इसका जो हेडक्वाटर uh, है वो मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि मोस्टली जो ऑर्गन है उनके हेडक्वाटर न्यूयॉर्क में है इसका अलग था इसलिए मैंने यहाँ मैंशन किया ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें इंग्लिश एंड फ्रेंच है जजेज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस इलेक्ट किए जाते हैं नौ साल तक के लिए कितने नौ साल तक के लिए और कौन करता है ये ज़रूर याद रखना है द जर्नरल असेंबली और आपको जब लीग ऑफ नेशंस पढ़ाया था तो उसमें जो मोस्टली ऑर्गन्स थे वो फेल हो गए थे ये भी आपको बताया था लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे थे जो अच्छे से काम कर रहे थे और उनके बस थोड़े चेंजेस किए गए और उनको यूनाइटेड नेशन में भी एज इट इज रखा गया जैसे कि परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस लीग ऑफ नेशंस इन 1920 ये इंटरनेशनल जस्टिस ये बन गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बन गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन यूनाइटेड नेशंस द सिक्स्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज द सेक्रेटेरिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला वो अभी आपको समझ में आ जाएगा द सेक्रेटरी जर्नल सेक्रेटेरिएट के जो हेड है उनको सेक्रेटरी जर्नल बोला जाता है और ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय द जर्नल असेंबली और पांच साल तक के लिए अपॉइंट किए जाते हैं द सेक्रेटेरिएट इज द यूनाइटेड नेशंस एग्जीक्यूटिव आम जो सेक्रेटेरिएट है वो यूनाइटेड नेशंस का एग्जीक्यूटिव आर्म है वो क्यों है ऐसा क्यों कहा गया समझ आ जाएगा सेटिंग द एजेंडाज़ फॉर द डेलीब्रेटिव जो भी डिस्कशन वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड जो भी एजेंडाज़ है वो सब रेडी किए जाते हैं सेक्रेटेरिएट के अंडर डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ है वो सब रेडी किया जाता है सेक्रेटेरिएट के अंडर जो भी काम है उससे रिलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ दिस बॉडीज जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो सब चीजें भी की जाती है सेक्रेटेरिएट के अंडर इसीलिए सेक्रेटेरिएट को यूनाइटेड नेशंस का आम बोला गया अब जरा कंक्लूजन देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा एक शॉर्ट समरी हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फाउंडेड ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन इसके फाइव इसके मैंने आपको बताए थे जो अभी हमने पढ़ा पर्मानेंट फाइव मेंबर्स द यूएसए रशिया चाइना फ्रांस एंड यूके और इनके पास वीटो पावर भी है अब आगे देखते हैं टोटल मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशंस करेंटली जो है वो है 193 और जब ये स्टेब्लिश किया गया था तब कितने थे टोटल मेंबर थे 51। याद रखिएगा नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था यूनाइटेड नेशंस को लाने का आपको पता ही है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो लीग ऑफ नेशन लाया गया था ताकि विश्व में शांति बनी रहे और दोबारा वॉर जैसी सिचुएशन ना आए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया लीग ऑफ नेशन फेल हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना आए और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हमने इसके ऑर्गन्स पढ़े मेन ऑर्गन्स टोटल इसके सिक्स ऑर्गन्स हैं ओके फर्स्ट द जनरल असेंबली सेकंड द सिक्योरिटी काउंसिल थर्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोर्थ ट्रस्टीशिप काउंसिल फिफ्थ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द लास्ट वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट सो ये था कम्प्लीट टॉपिक सो दिस इज द कम्प्लीट वीडियो ऑन यूनाइटेड नेशन जिसमें मैंने आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन समझा दिया आई होप आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं हम उनको कवर करेंगे अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके सजेशन ज़रूर दीजिएगा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और याद रखिएगा वक्त रहते अपने कमियों को पहचान लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कमियां ही आपकी पहचान बन जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो